एडीसी में जाते हैं और एक्चुअल डायरेक्टरी का ऑपरेशन मास्टर रूट ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले रूट सर्वर में स्विच करते हैं। रूट सर्वर में आपको दिखा रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पर नेटो क्वेरी एफएसएमओ, यानी कि ये रोल किसके पास पड़े, ठीक है, कौन से सर्वर के पास है। यहाँ पे हम देखते हैं रूट सर्वर का आईपी एड्रेस है server1.google.com। ठीक है, सीमा मास्टर रोल, डोमेन नेम मास्टर रोल, सीडीसी आरआईडी, फुल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, सारे रोल अभी रूट सर्वर के पास है। ये हमारा रूट सर्वर है। ठीक है, रूट सर्वर का आईपी एड्रेस है server1.google.com और जो हमारा एडीसी है उसका नाम है server5.google.com। तो हम यहीं से रोल ट्रांसफर करते हैं एनसीडीएस यूटिल कमांड लाइन यूटिलिटी पे जाते हैं, रोल कनेक्शन, फिर हम कनेक्ट करते हैं एडीसी सर्वर को, कनेक्ट टू सर्वर server5.google.com, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद क्विट करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर और सीज सारी कमांड आप चला सकते हो। सीज यानी फेल ओवर सिचुएशन पे चलाया जाता है और हम इसको ओवरराइट सिचुएशन कह सकते हैं। ट्रांसफरिंग यानी कि हम कट करके पेस्ट कर रहे हैं एक रूट सर्वर से, जो रोल सारे रोल बाय डिफॉल्ट रूट सर्वर में होते हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं हम एडीसी के अंदर। ठीक है, तो नाउ अब हमें ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफर स्पेस आरआईडी स्पेस मास्टर। ठीक है, राइट, ट्रांसफर आरआईडी मास्टर, आर यू श्योर यू वांट द डोमेन रोल ऑफ आरआईडी मास्टर ट्रांसफर टू द सर्वर server5.google.com। यस, और यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, क्विट करते हैं, अगेन क्विट। मैं अगेन यहाँ पे दिखा रहा हूँ हेड डोम क्वेरी एफएसएमओ। आरआईडी पूल मैनेजर, अभी ये सर्वर वन पे दिखा रहे हैं, दोबारा चेक करते हैं एडीसी पे जाके। नेटवर्क क्वेरी एफएसएमओ, जब नहीं आता तो एक बार दोबारा आप ट्राई करो एनसीडीएस यूटिल। तो मैं एडीसी के अंदर हूँ, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में, रोल कनेक्शन कनेक्ट टू सर्वर server5.google.com क्विक ट्रांसफर एडीसी ट्रांसफर करते हैं। एडीसी ट्रांसफर करना है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ट्रांसफर टू server5.google.com। यस, अनदर एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, वहां लिखेंगे नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ। टाइम लेते हैं ट्रांसफर करने का।